बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बनो मैं अपनी बातचीत वहीं से आगे बढ़ाऊंगा जहां कल छोड़ी थी। कहे कबीर जी आत्मज्ञानी इनसे अधिक बखानो ज्ञानी, धर्मदास तुम जान उजागर तुम तो बस सुख के सागर। मैं तो ज्ञान अगम तो है दीना, काल कर्म को पाव है सीना। मैं तुम्हें अगम ज्ञान दिया हूं इसलिए काल को तुम समझो। अब साहब बार बार एक बात पर आकर केंद्रित कर रहे हैं, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही। ताते हंसा झड़ कर रहे अगम अगोचर दीनहु भेऊ। बोला तुझे अगम्य का अगोचर का मैंने भेद दिया है। यह मन चंचल चरना हुई। वाह साहब कह रहे ये मन बड़ा चंचल है, ये स्थिर नहीं होता है। कह में जो कोई चाहे कोई, हाँ कैसे भी अगर चाहे मन स्थिर नहीं होता। मैंने एक चीज का रेफरेंस कई बार दिया है, इसी मन को स्थिर करने के लिए जब वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सत्य और प्रेम ही मानव जीवन के लिए पूर्ण नहीं, मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए भ्रकुटी के मध्य साधन करके मन का निग्रह करके आत्मा का साक्षात्कार करो। सीधी तो बात है, मन के निग्रह से ही वो आत्म साक्षात्कार की बात हो रही। अब यहां आया मन का निग्रह क्या है, ये निग्रह किसको कहते हैं भाई? मन को बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर देते ना, मन को एकाग्र। मैं इस बात को हजारों बार बोल रहा हूं कि मन के चार रूप है, क्यों स्थिर नहीं होता वो सुने। मन बुद्धि चित्त अहंकार करता है, इसकी संज्ञा मन। सीधी बात है, जो आपके अंदर उठने वाले संकल्प हैं, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वो आपकी आत्मा की नहीं है, यही मन। जब उस संकल्प पर निश्चय करता है तो इसकी संज्ञा बुद्धि है, बुद्धि आत्मा नहीं है। कई बार बुद्धि बड़े गलत निर्णय लेती है। इंसान कत्ल करने जाता है तब भी तो एक निर्णय लेता है ना, चोरी करने जाता है तब भी एक निर्णय लेता है, बलात्कार करने जाता है तो भी निर्णय लेता है। तो क्या ऐसे निर्णय हमारी आत्मा लेगी? इसका मतलब ये क्रूर निर्णय हमारी आत्मा नहीं ले रही है, ये हमारा मन है। मन का तीसरा रूप है बुद्धि। उमेश शर्मा जी साहब ने मनीत कौर जी को भी साहब ने, मन का तीसरा रूप है चित्त, और चित्त से तो संसार है। यही योगा वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने राम जी को आत्मा का ज्ञान दिया। सत्यजीत जी को भी साहब थी ये ज्ञान दिया। हे राम संसार का अस्तित्व नहीं है, ये तुम्हारे चित्त की पूर्णा है केवल, तुम चित्त की कल्पना का
निरोध करो तो संसार का अस्तित्व खत्म है। चाहे अनचाहे आपके अंदर यादें और बातें घूमती हैं, इसका भी निग्रह करोगे। चौथा मन का रूप भया भया बड़ा भया है, अहंकार। मैं हूं, मैं शरीर हूं, मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, ये सभी क्रियाएं। मीन्स टोटल क्रियाओं को नियंत्रित करना है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। तभी तो बड़ा साफ साफ कहा वायोर गठन्ति असंभव है भाई, वायु को गठन मानना असंभव है, तद भी संभव है, फिर भी हो सकता है। उदधि मंथन है वह समुद्र का मंथन, दुष्क्रिय लेकिन तदपि संभव। शून्य को तोड़ना, लेखराम जी साहब जी, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं उसके लिए प्रयास कर सकता हूं। लेकिन हे जनार्दन, देवराम वर्मा जी को भी साहब जी, मन के निग्रह के लिए मत करो, कहो मैंने हर तरह से प्रयास करके देखा, ये किसी भी तरह बस में आने वाला नहीं। यही बात साहब कह रहे, ये बहुत दुष्क्रिय है। अब क्या कह रहे हैं, ताकि विध में प्रकट सुनाऊ, मनवा स्तर कर दिखलाऊ। साहब कह रहे इसको मैं स्तर करने का प्रकट विधि बताता हूं, तुम सुनना, मन स्थिर हो जाएगा। यह मन पान रूप स्वरूपा, मन पानी रूप है, बुद्धि धाम प्रतिकर रूप है, बुद्धि प्रतिकर रूप है, चित जो वायु स्वरूप भी हुई, चित वायु रूपी है। अहम अज्ञानी रहे समोई, इसलिए जो जो पवन चले झकझोले त्यों तो मनवा चतुष्टोले। आप देखें आपकी जो श्वासा है वो स्थिर थोड़ी है, वो तो कंटिन्यू चल रही है और घूम रही है। जैसे जैसे श्वास चलेगी तैसे तैसे मन डोलेगा। वाह 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 वाह, ताते हैं उपचार सुनाओ। साहब कह रहे मैं एक उपचार बताता हूं, मनवा कर अंतर ठहराओ, मन को रोकने का सूत्र दे रहा। मन पवना ले त्रिकुटी राखे लिखे, नाम सूरत अमीर शाखे। वाह, यहां उल्लेख आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं मन पवना ले सुखमन राखे, मन पवना ले त्रिकुटी लेखे, अक्षर सुरत अमीर शाखे। जो लो पवन स्त्र नहीं हुई, तब लग मन अस्त्र नहीं सोई। वाह, इसलिए ये पवन चंचल है, ये स्थिर नहीं होती है। जब तक ये पवन डोलती है तब तक मन क्रियाशील है। सोचिए, अब इसमें टेक्निकल बात बताता हूं, हमारे शरीर का संचालन ही श्वास से है। 10 वायु है, कई बार बोला, अपान उदान प्राण
सर्वतन ज्ञान देवदत्त धनंजय किरकिल नाग सबल समान आदि ये वायु मूवमेंट कर रही है। इसलिए योगी लोग प्राणों को रोकते हैं अपने को जानने के लिए, पर ऐसे नहीं रुकेंगे, ऐसे नहीं रुकेंगे। साहब बड़ा सुंदर फॉर्मूला बोल रहे हैं, जौन और पवर्त रहत ना होई तब लग मन अस्त्र नहीं होई। तो हम क्या करें फिर? अब साहब कह रहे हैं बड़ा सुंदर फॉर्मूला बोल रहे हैं, सूरत के दंड से घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, धर्म और अधर्म इस ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ जन्म और मरण का भ्रम है। अब नाम की ताकत से कैसे मन स्थिर हो जाता है? एक आपके पास दिव्य चेतना रहेगी, जैसे आप नाम स्मरण करेंगे तो नाम के समय चेतन पुरुष आपके साथ खुद हो जाएगा। यही तो साहब बोल रहे ना, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। नाम के अलावा आपके पास जो भी चिंतन आ रहे वाह, वो सब काल की फांस है। अब मन क्या करता है? जैसे आप स्मरण करेंगे वो छुड़ाएगा, तभी तो साहब कह रहे हैं माला श्वासों श्वास की फेरेगा कोई दास। वाह वाह, फिर अपने शब्द में क्या करें? मन पौनाले सुखमन राखे, ऑटोमेटिक वो इंडपिंग हो जाती, सुषुम्ना में चले जाते। नाम अमीरस सोई चाके, अभी वो जब शून्य स्थिति किसको कहते हैं? ये पहले श्वासा सवा हाथ जोड़ी है, सवा हाथ चल रही है, शून्य से श्वासा नाभि तक जा रही है, सवा हाथ है। जब सुमरण करता है आदमी चार उंगल में श्वास आती है, उसके बाद श्वासा सिमटती जाती है, इंडा पिंगल लय होकर ऊर्ध्वमुखी चलते, तभी तो पूरन सिंह जी साहब ने, तभी तो साहब कह रहे हैं, पलटू साहब भी कह रहे हैं, ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। इसी को तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, उल्टा जाप जपा जग जाना वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। पर जिन नामों से आप आकृति देखते हैं तो आपका ध्यान फिर उन चीजों में चला जाएगा और वो चीजें आपको स्थिर नहीं कर पाएंगी। एक चेतन गुरु का जो ध्यान है वो आपको वहां लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे लेत उठाए, ऐसा नाम कबीर का यम से लेत छुड़ाए। अब पलटू साहब भी कह रहे हैं ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। अरे हाँ रे पलटू, चार उंगल में आए जाए सो जोगी है, ये श्वासा नाभि तक जब पहुंचती है जाकर के तो दस वायु बनती है पूरी, फिर शरीर में मूवमेंट बन जाती है और सब चीजें अलगद से एक्टिव होने लगते हैं। यहां पर साहब कह रहे सुन शिखर चल चढ़ बीन बजाए खुले द्वार से,
अब शून्य अवस्था कैसे हो जाती है, धीरे धीरे ये सांस सिमटती 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 कम होती जाएगी, ऊर्ध्वमुखी जब चलेगी तो एक शून्य बन जाएगी पूरी। जब आप सांसा शून्य हो जाते हैं तो आपको ऑल एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती है, सभी एक्टिविटी आपकी स्टॉप हो जाएगी। सब अब यहाँ का नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, नुक्ता पलट के किया तो खुद खुदा हुआ। खुदा खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, सोई मुकर में धसता है, पर बिन मेहर मुर्शिद के क्यों तू नाहक में ही बसता है। अब देखिए कह रहे हैं, ताते यह उपचार सुनाऊं, बोला ये उपचार बताता हूं, मनवा कर अंतर ठहरा हूं। कह रहे हे धर्मराज, मैं मन को ठहराने का तुम्हें उपाय बताता हूं। मन पौना ले, त्रिकुटी खेले, अक्षर सुरत अमीर चले, नाम श्वास सुरती करे। कितनी साक्षियां साहब दे रहे हैं, श्वास सुरत के बीच में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत से जो है। जान लो पवन रहत ना हो तब लग मन स्थिर नहीं हुई, वह साफ कह दिया, जान लो लो तब लो तक को कहते हैं, जब तक श्वास स्थिर नहीं हुई। तब तक ये मन क्रिया यही रहस्य है, इसलिए ये स्थिर नहीं होता। इसलिए साहब ने बड़े सहज शब्द में कहा, जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मान है। कबीर जाने संत जन सुमरण संकोचन है। पहले ये काम मुश्किल लगता है, जैसे पहले नीम को निगलना मुश्किल है लेकिन सभी रोगों को नाश करती है, फिर इसी तरह बड़ा धमाल मचाता है, इसलिए आदमी उब जाता है, कहता है छोड़ो फिर देखेंगे। ये मन ही फिर आपके और साधन ध्यान छोड़ रहे हैं, सुमरण मन ही कह रहा है रहने तो कल करेंगे, उसने एक तरंग भेजी आप उठ पड़े। आपने ये कभी नहीं सोचा कि मैं एक संकल्प लेके बैठा था कि आज मैं सुमरण करूंगा, आज मैं एकाग्र होऊंगा, लेकिन आपका ये संकल्प क्षण मात्र में बदल गया, क्या विडंबना है। अमित केवी जी साहब ने क्या विडंबना है, उसने ऐसा किया। अब यहां साहब फिर पुष्टि कर रहे हैं, सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदे दस प्रधान, ये सुषुम्ना में क्यों रहता है इसका एक कारण है, और उसी केंद्र से पूरे शरीर को वो तत्व पहुंचा रहे हैं। जैसे भाई जो बिजली के महकमे का एक ग्रिड स्टेशन है और नहर विभाग का एक केंद्र है, इस तरह हमारे शरीर में पांचों तत्व के केंद्र है, गुदा द्वार पर प्रति तत्व है। अभी प्रति तत्व का क्या काम है, पूरे शरीर में हार्ड मांस त्वचा रोम इनकी मेंटेनेंस हो रही, आप नहीं कर रहे वो कर रहा है तत्व। और शिशिरेंद्री के पास यूरिन की थैली में जल का वास है, आपका शरीर चाहे कितना भी गर्म हो जाए लेकिन पेड़ू के पास हाथ रखना ठंडा मिलेगा, वहीं से ही पूरा जल पूरे शरीर में पहुंचता है। ये सिस्टम थोड़ा बिगड़ जाए तो जल का अभाव हो जाएगा शरीर में। आपके नाभि क्षेत्र में ही पवन का केंद्र है, यहीं से दस वायु बनती है। पेट खराब तो हर बीमारी साथ में होगी,
पेट खराब भी इसी वायु के कारण होता है। जब अपान वायु उल्टी चलेगी तो भूखी नहीं लगेगी, उदान वायु अगर अपान ने दबा दी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये दोनों वायु चढ़कर हार्ट पर आई तो प्राणवायु यानी आत्मघात मनाघात होगा। संपूर्ण सिंह जी को भी साहब, और ये वायु अगर चढ़कर तो आपको पागलपंती हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। अगर किलकिल वायु खराब हो गई तो आपको छींक नहीं आएगी, छींक ट्रैफिक पुलिस का काम करती है। तो इस तरह से ये दिमाग पर चढ़ जाए तो मुश्किल हो जाता, पूरा खेल वायु का है। अब जब ये वायु को आत्मदेव सप्लाई कर रहा है, एक शुद्ध चेतना मस्तिष्क में आत्मा का वास है, आत्मा चेतन रूप में वही श्वास ले रही है, छोड़ रही है। इसी को वेदों में भी कहा प्राणेन्द्रित जीवेषु, जब आत्मा ने यहां बैठकर प्राण लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो इसकी संज्ञा जीव। ये बंद दशा में जीव है, जब ये फिर शरीर में प्राण जहां गए, ये प्राणों में जाकर बैठा, प्राण जहां गए पूरा शरीर एक्टिव हुआ। इसलिए कुछ लोग कहते हैं भाई इसके प्राण ले गया यमराज, और यहां कह रहे साहब मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुत न मरना होए। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। इसलिए आप इसको किससे पकड़ेंगे, श्वास ही सुरति ही भेज रही है श्वास को नाभि में, सुरती एक्टिव कर रही है, यही इसको कंट्रोल करके ऊपर कर रही, तभी तो साहब कह रहे हैं ना श्वास सुरत डोरी लाए अजर अमर हो लोग सुधावे। फिर बड़ा साहब बोले सुरत के दंड से घेर मन पवन को, सुरती रूपी डंडे से सोनल जी साहब ने वाह घेर मन पवन को फिर उल्टा चले, यानी आपकी सुरती से ही श्वास स्थिर हो गई, जब श्वास स्थिर हो गई तो मन वही बन जाएगा। साहब यही तो बता रहे जो लो पवन रहत ना हुई तब मन स्थिर नहीं हुई। अब यहां साहब क्या करें, मन को मार गगन चढ़ जाए वाह, छूटा कलमल यही अलेखा यह नानंद साहेब को देखा। इसलिए तो जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ कबीर जाने संजन सुमरण संकृष्णा, जैसे ही एकाग्र होता जाएगा इतना आनंद मिलेगा। वेदों में आत्मानंद को सहस्त्रारति आनंद से भी ज्यादा बोला, रति सेक्स को कहते हैं, सेक्स के आनंद से भी हजार गुना ज्यादा है, आप कल्पना करें। गगन पवन रहे पर भाई वो शून्य में, शून्य शिखर की फेरी, शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सबकी सदगत। ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख वाद विवाद, सहजो संत सुखी कहे लागी शून्य समाज। परदेशी जी को भी साहब नहीं, गगन पवन रहे पुन भाई त्रिपुटी गागड़ रहे समाई, पानी पवन संग जब हुई ब्रह्म अग्नि उपजावे सहिवा। मन और पवन हुए जब मेला, परम पृष्ठदेव को ही मेला। वाह वाह वाह, इसलिए मन पवन में नहीं रहता, मन संसार में घूमता है। अब साहब कह रहे मन और पवन हुए जब मेला, पवन पृष्ठ से हो मेला, ना कहूं आवे ना कहूं जाए
तब मनवा सहज समाए, तब मनवा सहज समाए। वाह, जिन सतगुरु शब्द मिलिया, अमित सोहंस पिया, अजर अमृत शरीर पायो, बात सुख सागर लिया। संतो करो विवेक, शब्द सार गहु बूझ के। अब साहब कह रहे हैं संतो मेरे शब्द पर थोड़ा सा चिंतन करना, बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं साहब। सूरज निरज जो देख, सतगुरु शब्द अपार जो। अब निरत हमारे पूरे शरीर को एक्टिव करने वाली ताकत है। आप देखो सुरत निरत में समझाता हूँ। कुछ कह रहे सुरत है सुनती, निरत है देखती। ये अटकल बच्चों की बात है। अभी आपको कहूँ अपनी सुरत घर भेजो, ये थी सुरत, चलिए। इसका जो दूसरा सुरत अंग से निरत है, इसका दूसरा जो अंग है वो है निरत। वो आपके पूरे बॉडी और ऑर्गन्स को एक्टिव कर रही है। वाह, इसका दूसरा इस सूरत निरत मेला भया मुख्य हालत है, दोनों मिल जाए तो फिर बाकी क्या। इस तरह ये मन न कोई इसको देख पाता है, न कोई इससे समझ पाता है। ना कम गया न कम आया, सुरत मंत्र जो हंस, सुरत मंत्र जो हंसा हो ताया दीजिए नाम से। यानी वाह, ये सूरत आपके संसार में फैली हुई है। सूरत पसी संसार में ताते पड़ गए दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहलू। अभी कोई कर्म योग बता रहा है, कोई पवन योग बता रहा है, कोई अन्य अन्य योग बता रहा है। दरअसल मन को ये कोई विजय नहीं कर पाया। मन को मार गगन चढ़ाए, छूटे कर्मल यही लेखा, यह नैनन साहेब को देखा। तो बंधु ये सुमरण चलते फिरते उठते बैठते, वाह नानक देव जी के शब्द कितना प्रासंगिक है। यहाँ बस फिर सुरज शब्द मेला बया मुक्की हाजत ना है। ये चलते फिरते उठते खाते सुमरण हो, उठत बैठत जागत सोवत नाम जपे, कह नानक सिद्ध भय तिनके सब काज। अब यहां पर साहब क्या कह रहे हैं, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सुन रहे भाई। आप कभी भी अनुभव करना, फ्रांस सूरत एक डोर पर आई, आपका स्मरण चल रहा है उस समय आप बिल्कुल भ्रुकुटी के अंदर आ जाएंगे, फौरन वही होंगे। श्वास संयम लाए के वाह, योगी ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म प्रकाश तक पहुंचता है, वहां सिद्धियों को प्राप्त कर कहता है बस अहम ब्रह्मस्मि, उसके आगे नहीं जा पाता है। इसलिए साहब ने योगियों के उन स्थानों का भी वर्णन किया, योगियों को बताया अरे यहां जिसका तू ध्यान कर रहा है ये यहां है जगह। बड़े बड़े योगेश्वरों को साहब ने अपनी लाइन में लिया। अब साहब एक बात साहब बोल रहे, सिद्ध साधक योगी जति, हाँ सिद्ध साधक योगी जति मन को जान न पाए रखती। ये मन निरंजन समय न चाहे,
आपके अंदर उठने वाले संकल्प मन के, आपके फैसले मन के, आपकी क्रियाएं मन की है, आपका चित्त मन का है, ये सब मन का रूप है। वाह। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। और आगे क्या करें, मन पर जो असवार है, ऐसा बरला कोई कबीरा, ऐसा बरला कोई, मन पर जो असवार है ऐसा बरला कोई। वाह। ऐसा बड़ला कोई, मन है निरंजन सबै नचाए जोगी जत्ती, सबको नचा रहा है। और दुनिया इसी निरंजन के पूरे चक्कर में उलझी हुई है। कहे कभी सुना धर्मदासा बहुत कृष्ण जो करे तमाशा, कर्म धर्म कह जगह समझावे, अलग पुरुष कैसे लगता है। बस इसी संसार के कार्यों में सब ने संदेश दिया वहां तक, वेद चारों ना ही जानत सत्पुरुष कहानियां, वेद का तब मूल का है अकथ कथा बखानियां। बड़ा प्रहार कर रहे हैं साहेब यहां का, कर्म धर्म कह सक जग समझावे, सत्पुरुष को कैसे लग पाए। जितनी उपासना पद्धति है ये निरंजन तक जाती है। मैंने इस बात को भी कई बार बोला है, गोस्वामी जी खुद कह रहे हैं, जप तप प्रत यम नियम अपारा, यम यानी काल पुरुष के ये नियम है। श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा, इसलिए धर्मदास जी को साहब करे, करो विचार संत संत की रीति, मन वच कर्म सदगुरु प्रतीति। इसलिए एक तो तुम्हें विश्वास प्रतीत करना है और तुम्हारे पास एक अद्भुत ताकत मिलेगी, वो ताकत आपको मन से लड़ने की शक्ति दे देगी। मेरा भाई ऐसे नहीं कह रहे सकीरी मैं तो नाम रतन धन पायो, वो कह रही है वस्तु अमोलक देह में सदगुरु, सूरत से सूरत मिलाए हुआ है, सुरत नाल आयो संसार है, ये सुरती है। इसी सुरती को चेतन करने की ताकत देता है जो, जब ये सुरती चेतन हो जाती है तब ये वश में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इन तो शास्त्र ज्ञान विस्तारा, कर्म पंथ जीवन सबदारा, कोई भक्त जो इनकी करे रिद्धि सिद्ध सुख संपत्ति लय। कह रहे हैं ऐसे जो भौतिक उपासना कर रहा है, रिद्धि सिद्धि आप सुख संपत्ति तो मिल जाएगी। बहुत भानते हैं देह बढ़ाई राजपाट इंद्रासन लाई, यहां तक कि और भी चीजें मिल जाएगी, उसको पाकर के ये सोचता है कुछ विशिष्ट प्राप्त किया, पर आवागमन ने बेटा जाए बहुत चीनों मन चित लाई। लेकिन गर्भवास छूटे नहीं भाई, कूटिन उपाय अगर कोई करे तो नहीं छूट सकता है, बिन सतगुरु नहीं बाचे। दाता भुक्ता होवे आपे, पै कोई नहीं छूटा पापे, आवे जाए सकल जग लोई, कबो न झूठे बंधन सोई, बहुत चीनों मन चित लाई, आवागमन न मेटा जाए। बोला कितना भी कुछ करो आवागमन से ये जीव छूटेगा नहीं। बंधन सतगुरु तुमरा तोरा, तुम कह नहीं व्याप जम छोरा। कह रहे गुरु जब ये ताकत देता है तो मन का जोर भी नहीं चलता है। अब आप वैसे स्थूल रूप से तो देख लो ना, आपको समझ में आएगा ना, जब से आपने नाम लिया देखो मन पर नियंत्रण हो रहा है नहीं, मन समझ में आ रहा है या नहीं। अच्छा पहले क्या होता था, हवाई जहाजों में पहले सेफ्टी नहीं होती थी, काफी हवाई जहाज क्रैश होते थे, आजकल कम हो रहा है इसकी वजह। अच्छा फिर उन्होंने क्या किया है, आग लगने का खतरा ज्यादा होता था उनका, तो लाइफ जैकेट दिया है। लेकिन 777 ड्रीम लाइनर आदि हवाई जहाजों में अभी नया सिस्टम है, मैं सफर करता रहता हूँ,
विदेशों में जब जाता हूँ उनमें तो नाव निकलेगी अंदर से, आप नाव में बैठ जाओ, चलो वो ऑटोमेटिक नावें हैं सब, नाव निकलेगी आप डूबेंगे नहीं, आपको जंप लगाने की जरूरत नहीं। इसलिए साहब कह रहे हैं सहज भाव में जगह चितावा, साहब ने संतों सहज समाधि भली, साहब सहज भाव का वर्णन कर रहे हैं। धर्मदास तुम बुझ देखो भेद सद्गुरु अगम है, तीन लोक और झार कारण भेद शास्त्र शोक है। इस तरह तीनों लोग एक उलझन में फंसे हुए। हंस को मुक्ताई हमसे मेट हम दुख धंधो, कह रहे हैं हे धर्मदास ये मेरे नाम की ताकत इस आत्मा को निरंजन से छुड़ा लेगी। जैसे हम दही को मथते हैं ना, छांस में घी समाया हुआ है दिखता नहीं है, जब मथते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है। इसलिए स्मरण रूपी मंथानी को चला कर तो देखना ना, ऐसे ही कह रहे हैं कि जब तब संयम साधना सब स्मरण के माँ है। दिव्या जी भी को साहेबंदी, बलवीर को साहेबंदी, आरती विश्वकर्मा जी को साहेबंदी, ये अक्सर मेरे इस पर आते हैं, उनकी बंदगी पहुँचते हैं। जैसे दूध दूध दधमाखन बिन मत भेद नहीं का, जब अलग हुआ जीवन मुक्त जीता है, फिर वो आप नहीं समझ पा रहे हैं नाम के बाद आप जीवन मुक्त हैं। इस भव सागर में आप रह तो रहे हैं लेकिन जैसे मन दुनिया पर हावी होकर सभी काम करा रहा है, आपसे वो ये नहीं करा पा रहा है। सद्गुरु शब्द अपार वार पार कोई ना ले, हंस शब्द आधार ताहे मुक्त पाशे फिर, वो जीवन मुक्त हो जाता है, इच्छाएं खत्म हो जाती है। मैंने एक आदमी से पूछा नाम के बाद, मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, बड़ा लाइव मेरा रिसर्च है, तो उसने क्या बोला बताए, उसने बोला गुरुजी पहले जो भटकाव था इधर जाओ उधर जाओ, कई गुरु किए मैं स्थिर नहीं था, अब मैं स्थिर हूं, पहले तो मेरा भटका मैं अंदर से सेटिस्फाई हो गया हूँ कि मुझे कोई ऐसी चीज मिली है जो सही में यथार्थ है, पर वो मैं आगे नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन जो पहले मैं नाम भी लेता था, इधर उधर भी करता था, सभी चीजों में था और क्रियाएं भी अटपटी करता, वो सब मेरा छूट गया है। देखा नाम निर्बल कर देगा, नाम बिना सब विश्व ही ना, साहब ऐसे ही नहीं बोल रहे, नाम बिना मूर्ख सो पही कहिए, नाम बिना पापी सो लइए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच में खाना। इसलिए वो मुझे कहा गुरुजी जो बाकी उलझाव था, कभी ये कभी टोड़ा कभी टोटका, जो जो कहे वो करता, अभी चाहे कोई भी आकर साक्षात खड़ा हो जाए मुझे उसका कोई भी अंतर नहीं पड़ता, मैं स्थिर हो गया। भ्रम भ्रम साहब कह रहे तोड़ डालू भ्रम सब, ये सब वाणिया साहब के शब्दों में आ रही है, ये सब तथ्य। तभी तो कह रहे करो जगत से न्याय, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। बंधु इस समय लॉकडाउन फिर बढ़ गया है तो थोड़ी सी समस्याएं जीवन में आ रही है, आप चिंता न करें, स्मरण करते रहना। आप इस एकांत को एक अवसर के रूप में देखें, आप जीवन के इस बहुमूल्य समय का सदुपयोग करें। दीपक जम्वाल जी को भी साहब नहीं और उबे नहीं, मैं आपको एक हिदायत देता हूँ, बहुत अधिक टीवी को कभी मत देखिएगा, बहुत हानिकारक है। इसके अंदर जो कलर की रेजेस हैं वो लेंस आई लेंस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करती है। आप देखें आज बच्चे, मेरे समय में मैं जब छोटा था, अभी मैंने 71वां जन्मदिन मनाया, बच्चे कभी चश्मा नहीं पहनते थे, अभी इतने बच्चे चश्मा पहनते हैं, छोटे छोटे बच्चे नेट में उलझे हुए हैं, वहाँ क्या है बस लोग अपने अपने विचार रखते हैं, उससे थोड़ा बचे। आप मनोरंजन का साधन मत ढूंढो, आप मनोभंजन का साधन ढूंढिए, ठीक है। संजीव गुप्ता जी को भी साहब ढूंढिए, आप मनोभंजन का साधन ढूंढिए और ये इसको अवसर के रूप में लें, परेशानी के रूप में नहीं लें।
समय हो रहे हैं कल पुनः मैं आपको आपके सामने प्रस्तुत हूँ। श्रीवास्तव जी को भी सायरा जी आरती श्रीवास्तव है, फीमेल है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, भजन करें, अपनी दिनचर्या इतनी सुंदर बनाएं, आप सोते हुए भी आप स्वान निद्रा में सोएं, एक सत्संगी का नेचर है। बग ध्यानम, बगले की तरह ध्यान हो, काग चेष्टा, आपका प्रयास कौए की तरह, स्वान निद्रा, वाह कुत्ता सोता है ना, एक थोड़ी सी आहट होकर के जग जाता है। अल्पाहारम, एक साथ भोजन ज्यादा कभी नहीं ले, डॉक्टर लोग भी एडवाइस से स्टमक पर वेट पड़ता है, आप चार पांच बार भोजन लें तो मयूरी साहब बनेगी, परवीन जी को साहब बनेगी। तो इस तरह से ये चार सूत्र हैं ध्यान भजन करने वाले, ये चलते फिरते सुमरण करना, और इसको अवसर के रूप में लें, समस्या के रूप में लें, और यही प्रोग्राम बाद में हम YouTube में भी डालते हैं जिससे बाकी लोग देखें। इससे लाभ मिला मुझे, लोगों की तरफ से काफ़ी संदेश मिलते हैं कि गुरुजी हमें ऐसा लगता है जैसे आप प्रत्यक्ष हमारे सामने देख रहे हैं। शायद बोलिए सतगुरुदेव की जय।